जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शालिनी गर्ग है, मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने का मौका मिला है। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हैं, आप हमें बार बार कहते हैं, तब कहीं हम जाके आपका शुक्राना करते हैं। हम कितने नादान बच्चे हैं आपके, आप हमें पल पल ब्लेस करते हैं, पल पल अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, फिर भी हम देख लो कैसे हैं ना, कि आपका शुक्राना करने में इतना समय लगा देते हैं। हमें तो हर पल आपका शुक्राना करना चाहिए, दिन में कितनी कितनी बार आपका शुक्राना सत्संग करना चाहिए, पर हम अपने घर के रूटीन के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसे हम सबसे पीछे रख देते हैं, सबसे लास्ट में रख देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है गुरुपा। गुरुपा, मुझे माफ़ करना। आप मुझे कितने मैसेज भेजते हैं, कितनी बार याद दिलाते हैं, तब कहीं हम जाके शुक्राना करते हैं। गुरुपा, अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ करना। गुरुपा, आपने हमें थामा, आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हमारे साथ हैं, तब भी हम इतना समय लगवा रहे हैं। संगत जी, अगर हम सोचें तो ऐसा कभी हुआ है हमारे साथ? हमें कोई पॉजिटिव एनर्जी इतनी साथ कभी अपने फील हुई है? नहीं, कभी हमें अपनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ फील नहीं हुई। गुरुपा, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। हम भूल जाते हैं, हम नादान बच्चे हैं उनके, हम इस माया जाल में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि गुरुपा कौन है। गुरुपा, आपकी माया जाल में हम लोग उलझ जाते हैं, बाबा हमें माफ़ कर दो। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए मैसेज भेजा, मुझे बुलावा आया बड़े मंदिर से। मेरे गुरुपा कह रहे थे बड़े मंदिर से बुलावा भेजूंगा। संगत जी, मुझे बुलावा आया, मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे बड़े मंदिर से बुलावा आया। संगत जी, मेरे सिस्टर इन लॉ ने, मेरे कज़न सिस्टर इन लॉ ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि चलो हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ मिलके, जो भी गुरुजी की संगत है वो मिलके जा रही हैं, आप चलो। संगत जी, मेरा दिल तो कर रहा था मैं उड़ के चली जाऊँ उनके साथ, बट मैं हाँ नहीं कर पाई। ये गुरुपा जानते हैं क्यों नहीं कर पाई। गुरुपा, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी, अभी मुझे बुलावा मिला, ये बहुत बड़ी बात है गुरुपा मेरे लिए, मैं जाना चाहती हूँ गुरुपा, बट आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपने बोला है ना वहाँ पे कोई कदम भी नहीं रख सकता। संगत जी, गुरुपा के सत्संग में कोई गुरुपा की मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकता, तो वो गुरु जी का बड़ा मंदिर तो स्वर्ग है, स्वर्ग, वहाँ गुरु जी की मर्ज़ी के बगैर कोई एंट्री नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बुलावा भेजा, बट मेरा परिवार मेरे उनके साथ नहीं जुड़ा, तो अभी मुझे घर से परमिशन नहीं मिली जाने की। मेरे अभी कर्म और होंगे जो गुरुपा ने कटवाने हैं, तभी गुरुपा मुझे वहाँ लेके जाएंगे, मुझे अपने दर्शन कराएंगे, जो गुरुपा ने अपने हाथों से स्वर्ग सजाया है उसके दर्शन कराएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मन में कहीं एक कोने में था कि मुझे जाना था, बट मैं नहीं जा पाई, मुझे जाना था, मुझे गुरुपा के दर्शन करने हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें वो आंटी जी कह रहे थे कि अगर आप बड़े मंदिर से बुलावा आता है बट आप नहीं जा पाते, तो आप ज़रूर वहाँ से गुरु जी का जल प्रसाद मंगवा लीजिए, आप गुरु जी का जल प्रसाद लीजिए वहाँ से। संगत जी, मेरे गुरुपा ने यह थॉट डाला कि तू जल प्रसाद मंगवा। संगत जी, मैंने अपने भाभी को बोला जो वहाँ गए थे, अभी आप जल प्रसाद लेके आना। संगत जी, वो मैंने उनको बोला, वो कहते वहाँ पे नहीं दे रहे थे,
तो मैंने कहते वहाँ पे गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुपा जिसने मुझे बोला है आप उनके लिए ज़रूर जल प्रसाद दीजिए संगत जी। वो कहते देखा बड़े मंदिर में जो भी अरदास लगाते हैं वो पूरी होती है, तो वहाँ पे पूरी और मुझे जल प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, उसके लिए जल प्रसाद भेजने के लिए। मुझे पता है गुरुपा आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी प्लानिंग पे मुझे पूरा विश्वास है। आप मुझे मेरे परिवार के साथ ज़रूर बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा अपने जल प्रसाद भेजने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए, अमृत जल भेजने के लिए। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।